ऐसी गर्दन तो भैंसे की होनी कैडी है, बच्चे की अभी की। ये तो बच्चा है जी, अभी 18 महीने का बच्चा है, जिस तरीके से इसकी खवाई है आगे वाले समय में। नमस्कार भाइयों, स्वागत है आपका आपके चैनल ब्रांडेड किसान में। भाइयों आज की एक और वीडियो लेके आए हैं, बहुत ही अच्छी रोमांचक वीडियो लेके आए हैं आपके लिए। वीडियो कहाँ की है, कैसे है, सब पता करेंगे। सबसे पहले जो सम्मानित बुजुर्ग बैठे हैं, इनको राम राम जी, सभी को राम राम जी। आप सभी का स्वागत है जी, आप लोगों ने अपना कीमती समय दिया जी, बहुमूल्य समय दिया, इस बात का जी मैं आपका आभारी हूँ। तो बात को लंबा ना करते हुए भाइयों, आज बहुत ही अच्छी अच्छी एंटिक चीज़ें दिखाएंगे आपको, उनके बारे में जानकारी है, जानकारी भी दिलवाएंगे जी। बाबा जी हैं सामने। अरे पशुओं का रख रखाव कैसा होना चाहिए एक्यूरेट में, वे भी चीज़ें आपको दिखाएंगे। तो अब भाइयों बात को लंबा ना करते हुए इनसे थोड़ा सा परिचय लेते हैं बाबा जी से। पहले तो बाबा जी मैं स्वागत करूंगा आपका, और राम राम है जी। बाबा जी एक छोटा सा परिचय दीजिए आप। वीरेंद्र सिंह नाम है मेरा। वीरेंद्र सिंह, बहुत बढ़िया। गांव रावती जी, तहसील मवाना, डिस्ट्रिक्ट मेरठ। डिस्ट्रिक्ट मेरठ। तो बाबा जी आपका स्वागत है जी। अब बात करूंगा जी, इधर भाई साहब बैठे हैं जी, स्वागत है। राम राम जी, आपका शुभ नाम बोलो जी। भूपेंद्र सिंह। भूपेंद्र सिंह, गांव रावती। गांव रावती, बहुत बढ़िया। चाचा जी हमारे। बहुत बढ़िया जी। भैया जी का शुभ नाम पीछे है जी। ध्रुव भैया, गांव रावती। बहुत अच्छी बात है। भैया जी का शुभ नाम जी। अर्जुन सिंह, गांव रावती। अच्छा, बाबा जी के बेटे हैं जी। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। इधर बाबा जी को राम राम है जी, स्वागत है। बाबा जी आपका शुभ नाम बोलो जी एक बार। सुरेंद्र सिंह ढिल्लन। क्या बात है जी। तो इसकी ढिल्लन आ गया जी, इसका भी रिजल्ट निकाल लेंगे बातों में। इधर बाबा जी हैं दूसरे वाले। राम राम जी, राम राम जी, स्वागत है जी आपका। एक बार शुभ नाम बोलो अपना। देवेंद्र सिंह। देवेंद्र सिंह, बहुत बढ़िया जी। तो बाबा जी मैं बात चालू करूँगा जी आपसे ही, जो मेन कड़ी है, कड़ी आप ही जोड़ोगे यार सारी। तो आज का टॉपिक किस किस चीज़ पर लेना है हमने? देखो जी, तो आपकी मर्जी है, किसान है, इन पर तो मशीनरी ट्रैक्टर वैक्टर भी हैं, तांगे पांगे हैं पुराने जी, और भाई पशु सबके हैं ही। पशु सबके हैं ही, अच्छे बुरे जैसे। ये जो आपने मशीनरी की बात करी है, मशीनरी भाइयों बहुत पुरानी मशीनरी है, मेड इन इंग्लैंड, वो भी दिखाएंगे। पशुओं का रख रखाव कैसा है वो भी दिखाएंगे। तो बाबा जी आपकी लगभग एज कितनी आ गई जी? 68 वर्ष। तो 68 वर्ष में बाबा जी तकरीबन आपका पशुओं का रख रखाव देख रहा हूँ मैं आपका। मैंने आपका नाम भी सुना है कि भाई, नाम को सुन के ही मैं आपके दर्शन के लिए आया हूँ जी आज। तो बाबा जी जाहिर सी बात है, पशुओं का इस गांव का एक नाम भी है, इस गांव का नाम भी है इस चीज़ में कि यहाँ खाट छोड़ के हर चीज़ दे दी है पशु को। ऐसा था खाट ही नहीं दी, अरे सब कुछ दे दिया पशुओं के लिए। तो भाइयों सोचो कि ये कौन सी सीमा तक पहुँच चुके हैं। तो बाबा जी कुछ ऐसा उदाहरण आप पेश करो, जो ये जो बात चल रही है जी। जो हमारे दादाजी थे, पिताजी थे, उन्होंने इन पशुओं का शौक भी करा, इसी से सब कुछ कमाया। क्या बात, जब ट्रैक्टर भी नहीं थे। क्या बात है। अब आ जाओ, सस्ते पशु महंगे पशु जी, मारवाड़ से इतने रुपए के बैल इस गांव ने खरीदे, जब 3 बीघे जमीन आ जाया करती थी उसमें एक बैल आया। क्या बात है जी, क्या बात है। गाँव राहती में जी, और ऐसे 50 घर थे, यानी एक ही घर हो दो घर। अच्छा जी, उनका शौक भी करना और उनसे कमाई भी करी है, उसी पे बैठे हम तो। ये बात। तो बाबा जी कहने का मतलब ये है कि उस टाइम में 3 बीघे जमीन आना तो हाँ, बहुत बड़ी बात है। 500 रुपए बीघा जब हमारे पिताजी के शुरुआत के टाइम में जमीन थी, 1700-1700 के 3 बैल लिए गए गाँव में। क्या बात है जी, 1700-1700 के, देखो क्या जुनून था। हाँ जी,
क्या शौक था जी, वो कौन सी सीमा थी, वो लास्ट सीमा है जी? हाँ जी। उस आज से लगभग कितना वर्ष पुराने की बात होगी जी? ये होगी होंगी जी, हमारे जन्मों की बात मान लो 60 साल, 70 साल, 70 साल पुरानी बातें हैं जी, बताई हुई हैं। क्या बात है जी, क्या बात है। और एक हमारे सामने का है जी, जब हम जवान थे 77 में गन्ने का भाव 3-4 रुपए क्विंटल था जी, और हमारे बड़े भाई नवल सिंह अभी आने वाले हैं जी, वो 4200 रुपए का बैल लाए थे। ओए होए होए होए, तो हमें तो गन्ने के क्विंटल से ही मतलब है ना। आज वो गन्ना कितने का है, अब बैल को कह दे महंगा, बैल तो सस्ता बहुत है। बैल सस्ता है, 4200 रुपए का लिया था। क्या बात है, 3 रुपए क्विंटल था जिस टाइम गन्ना बेच के गए थे। ओए होए, तो बाबा जी कितने क्विंटल गन्ना बेचा था? लगभग लगा लो जी वो 1200 क्विंटल बैठेगा आइंदा। तो छोटा मोटा तो किसान के इतना तो गन्ना पैदा नहीं होने का जी। हाँ जी, देखो शौक का जन्म की बात शौक चल रही है तो बस ये बात। तो कहने का मतलब बाबा जी उस टाइम पे 4200 रुपए का बैल लेके आए आप, तो बाबा जी भाई उस... है मेरे ताऊ जी के लड़के आने वाले हैं नवल सिंह, ये बात। हाँ, उनके पास रहा वो बैल, तो मारवाड़ से ही लाए थे, मारवाड़ से ही लेके आए थे। तो बाबा जी अभी बात चल रही थी, हमारी कैमरा उस टाइम ऑफ था, हमारी 2-3 बातें हुई हैं। एक बाबा जी के बारे में भी बात चल रही थी कि भाई शौक किस लेवल का होना चाहिए, कि सामने उदाहरण है। उदाहरण क्या है बाबा जी, आप एक उदाहरण ये भी है सामने। वो उदाहरण बाबा जी पेश करेंगे कि क्या उदाहरण है कि भाइयों शौक किसे कहते हैं, शौक एक्यूरेट इसे कहते हैं। एक तो शौक होता है पैसा लगा के खरीद के लेके आना कि हाँ हमने ये चीज़ ले ली, शौक है, ठीक है जी। एक शौक क्या है, वो शौक सामने बाबा जी पेश करेंगे जी। बाबा जी बोल रहा भाई पेश तो कर देंगे, लेकिन उस बात के कमेंट इतने गलत आएंगे यहाँ। नहीं हम तो सच्चाई है, सच्चाई है। नहीं मुझे बताने में कुछ है? अच्छी है जी, नहीं कुछ नहीं। तो बाबा जी एक बार अपने मुंह से एक बार ये हमारे चचा है सुरेंद्र सिंह जी, इनके जो पिताजी थे वो पूरी रात जब गांव में नहीं थी, तो बैलों पर पंखा कर रहे थे, अपने आप पसीने में रहे थे। क्या बात है जी, और क्या? फिर ये चस्का ही नहीं लगा। अच्छा जी, तो जब इसकी बात बैल तो रहे नहीं। हाँ बैल तो रहे नहीं, उनके जिगर है जी, तो ये 18-18 घंटे 12 घंटे कभी 6 घंटे टाइम निकाल के उनको सुनते रहते, इन्हें पेशाब लग जाता। अच्छा जी, लेकिन ये करने नहीं उठे थे, इनके गदूर बढ़ गए। खालतपुर के इनके किराए पे बैल चलाना है। अच्छा, वो तो 21 जुताई ले हुए 200 रुपए भी जी, बैल यहाँ का शौक की वजह से पैसे उसे देने, पैसे उसे देने हैं। बहरहाल कहने का मतलब ये है कि शौक का कोई मोल नहीं, शौक का कोई रूप नहीं, कोई सीमा नहीं, अनंत है जी। ये जो इनका शौक है वो शौक लास्ट वाली चरम सीमा पे है जी। हाँ जी, चरम पे ही रहा। अब भैंस तो खरीद रहा जी, 15 दिन से नवल सिंह ढूंढता फिर जाओ जी, और मैं रात को बात करने भी आऊँ, पूछता हूँ कहाँ ठहरी, कैसी भैंस है, उसका क्या होया, क्या नहीं होया, फिर घर जाके बताना। उनको तो कटिया ही नहीं घोड़ी आज तो उसकी। देखो मैं आपको थोड़ी सी जितनी भी मुझे जानकारी अब तक, क्योंकि मैंने अपने दादाजी का दौर भी देख लिया, सबका, पिताजी का जी, ये सच्चाई है कि राहौती के अंदर आप 90% शौक खत्म मानो, 10 है ये, 10% में जो बचे हुए हैं परिवार वो शौक कर रहे हैं। हाँ। शौक तो हर किसी को है, लेकिन शौक को देखो बैल खत्म पहले के मुकाबले जी, बैल खत्म हो गया जी, झोटा खत्म हो गया जी, तो धीरे धीरे अब लोग चाहे उस पर थोड़ी सी जमीन है वो भी छोटा ट्रैक्टर लेके अपना काम कर रहा है, गन्ना नहीं डाल रहे हैं झोटों से, अब बहुत कम हो गया, मेरा मतलब ये है। और वैसे तो भाई सभी कह रहे हैं पशु में घाटा, हमारे पास तो जो भी कुछ है पशुओं से ही करा हमारे बुजुर्गों ने, क्या जो भी कुछ जी। और बैल तो रहे नहीं, मैं तो एक छोटा सा किसान हूँ जी, और भैंस वैंस भी जैसी मेरी वो है हैसियत लाऊँ हरियाणा से जी, खून करूँगा इनका जी, इनके दौरे बात सुनना। बाबा जी आपका शौक तो एंड वाली सीमा पे है जी। इनके दौरे बात करने ये बात, और जहाँ तक मेरी हिम्मत ले आऊँ इन्हें पता, तो क्या बात है, शौक है लेकिन बैल नहीं।
बाबा जी देखो समा हर चीज एक शौक का भी समा है कि अब जिस एज में बाजी दिन दिन में भी काम वीरान हो जाओ। अच्छा। पार्टी चलो जाओ, घर पे नहीं जाया जाता, जाया नहीं जाता। हाँ, बात चलो जाओ। अच्छा अगर टॉपिक कोई छिड़ गया फिर घर भी नहीं जाना। हाँ, बस खाना पीना भी त्यागना, जो आ गया यहाँ पेश कर वही पी खा लिया, नहीं तो ये बात। तो बाबा जी सुनने मारे आपके पास एक एंटिक चीज भी है। हाँ जी, ट्रैक्टर है जो मेड इन इंग्लैंड जी। कौन सा मॉडल है बाबा जी? ये 69 है जी। 69 मॉडल जी। क्या बात है भाइयों, आपको ट्रैक्टर भी दिखाएंगे, इसकी खूबियां क्या क्या हैं। ये आज तक जैसा ट्रैक्टर कंपनी से आया था वैसा ही है, जेन्युइन ही जेन्युइन जी। अभी तक चाबी नहीं लगी जी। नहीं, ओवरहाल तो हुआ है इसकी। अच्छा जी। पंप का नहीं हुआ। पंप जैसा वहाँ से पहले इंग्लैंड से बन गया वो सेम हुबहू वैसी है, हमने नहीं खुलवाया। अच्छा, ये बात। सन 81-82 में हम सेकंड हैंड से लाए थे। अच्छा जी, तो बाबा जी सेल करना चाहोगे? इसे नहीं देने के लिए, इसे सेल नहीं करना। तो ट्रैक्टर कौन सा है भाई, वो दिखाते हैं। बाबा जी आओ पीछे, पीछे इनके बेटे हैं, भैया का स्वागत है जी। ट्रैक्टर दिखाते हैं जी। पहले तो भैया जी का स्वागत है, भैया जी को राम राम है जी। जी भैया जी का शुभ नाम बोलो जी। जी लाखन सिंगड़। क्या बात है जी। भैया जी फादर साहब का शौक अब पीढ़ी भैया जी के हाथ में डोर है, ये आगे बढ़ाते जा रहे हैं। तो भाइयों सबसे पहले ट्रैक्टर दिखाते हैं जी आपको, इंटरनेशनल MC क्रैंक। ये इसका क्या मतलब है जी, ये जो इसका नाम लिखा हुआ है ऊपर, ये MC मैकॉर्मिक। हाँ जी, मैकॉर्मिक इंटरनेशनल कंपनी है भैया ये। अच्छा कंपनी। हाँ है बी, ये 276 है जी डीजल। हाँ, इसका नंबर है, ये 276 मॉडल है जी। ये 276 जी, ये 276 मॉडल है। तो ये मेड इन इंग्लैंड है जी। क्या बात है जी, क्या बात है। तो कहने का मतलब ये है ट्रैक्टर का इन्होंने ओवरहाल कराया है, तो इसके पार्ट्स वगैरह सब यही मिल जाते हैं? मिल जाते हैं। हाँ जी सब। तो सबसे पहले मैं ट्रैक्टर की एक बार आपको ट्रैक्टर का मुआयना करवाता हूँ भाइयों। इनके पास बहुत ही एंटिक एंटिक चीज़ें हैं। इन्होंने कुछ ये इसमें ये कितने ट्रॉली का हब बनवाया है जी, उनका कटिंग करवा के इन्होंने यहाँ लगवाया वेट के लिए। जी वेट के लिए। इसमें जो टायरों की बात की जाए 6-16 के आगे हैं जी, और पीछे वाले की बात की जाए तो 12-4-28 के हैं जी पिछले वाले। अभी तक ये देखो जी आपके सामने हैं, ये सारी चीज़ें वैसे की वैसी हैं। क्या बात है जी। अब बात की क्या बात है जी, क्या बात है, बिल्कुल फ्रेश वैसे का ही वैसा। पेंडल धुरे सब कोई चेंज नहीं। अब बात की जाए मीटरों की, कुछ मीटर चालू हैं जी भैया? बस ये भी तो नहीं है, बाकी ये ऑयल प्रेशर बाकी ये सब ठीक चलते हैं। क्या ऑयल प्रेशर का ये सब चलते हैं? ये सब चलते हैं जी। हीटर लगता है जी इसका? जी हाँ, बस सुबह जोर पड़ती है फिर तो शायद नहीं। ये बात। तो इन्होंने क्या सिस्टम करवाया है जी पैर रखने के लिए? क्या बात है, बहुत बढ़िया सेटिंग करी है जी। बात की जाए पीछे से दिखाता हूँ जी आपको मैं, इन्होंने सेटिंग कितने मगराड़, ये मगराड़ चेंज करवाए जी आपने? जी हाँ, पहले तो मगराड़ दूसरे साइड के और तरह से मैसी टाइप में आते, मैसी टाइप में आते। तो आप लोगों ने किस तरीके से कटवाए जी ये? बस ये तो फिर जो अपना मीरापुर एक मिस्त्री था जी, उसने बाहर वाली पट्टी अलग काट दी थी जी, फिर मगराड़ बीच में काट के वो वेल्ड कर दिया था यहाँ पे। क्या बात है, क्या बात है। वेल्डिंग सेफ्टी पाइप बनवाया था ये, बहुत ही जबरदस्त सिस्टम से बनवाया हुआ है जी। इसे लगभग कितना समय हो लिया जी? भैया ये 2003 में लगा था, लगभग 20 साल हो गए जी। अब देखो क्या मजबूती है, क्या शानदार तरीके से बनवाया है ये। अपनी छतरी का भी काम करता है और सेफ्टी का भी, सेफ्टी का भी काम करता है। कुछ भी दुर्घटना पता नहीं लगता किसान का कुछ हो जाए तो ये पूरे इस पे ना ड्राइवर को दिक्कत नहीं आने की। क्या बात है। अब बात की जाए बम्पर भाई, उन्होंने बहुत ही शानदार तरीके से बम्पर बनवाया है। क्या बात है, बम्पर की बनावट देखो जी क्या शानदार बनावट है, किस तरीके से इन्होंने
एडजस्टिंग करवाई है, बहुत ही बढ़िया। ये पंप फ्यूल पंप इधर आ गया जी, इसमें फ्यूल पंप इधर आ गया, रोटर पंप इसका उधर है। क्या बात है जी। और सबसे बड़ी बात भाइयों ये है कि इस ट्रैक्टर की कि आज तक इसका जो इसका रोटरी पंप है, जो कौन सा मॉडल बताया था जी आपने, 69 मॉडल से हूबहू वैसे का वैसे ही है जैसा कंपनी ने दिया था, मेड इन इंग्लैंड। इसको चाबी तक नहीं लगी जी अभी तक। और जी आगे वाला हिस्सा देखा जाए तो एडजस्टेबल है, अधूरा एडजस्टेबल है। हाँ जी, आगे वाला जो हिस्सा है एडजस्टेबल है, बहुत ही शानदार तरीके से, बहुत बढ़िया जी। और बात की जाए पीछे कि भाइयों इतना नंबर भी कुछ है, इसका ऐसा होने वाला है USR उत्तराखंड और यूपी एक ही जगह थे जी, ये था नंबर USR 6660। क्या बात है, नंबर भी VIP नंबर है जी। जी पीछे की बात की जाए जैसे कि ये मॉडल है जी इतना पुराना, लिंक के सब ओरिजिनल है, ऐसी की ऐसी। और आज के तो ये खराब हो जाते हैं जी, ये लिंक के खराब हो जाती हैं, लेकिन इसकी मजबूती क्या बात है जी, क्या बात है, क्या कहने। और इनका मेड इन कहाँ का है जी ये टिलर कल्टीवेटर आपका? ये मेड इन फर्गुसन इंग्लैंड से ही आए थे, इंग्लैंड से ही ये पीछे वाला जो है। क्या बात है भाइयों, देखो ये मेड इन इंग्लैंड है जी, इसका इंग्लिश टीलर बोल देते हैं, इंग्लिश टीलर बोल देते हैं जी। हाँ, वैसे लेकिन जी इसकी मजबूती और इसकी मजबूती में धरती आसमान का अंतर है। हाँ मतलब बढ़िया चलता है, लोड कम देता है, स्प्रिंग अच्छे होते हैं, स्प्रिंग बहुत जबरदस्त। इसमें भी रीजन है, कई चीजें इसमें एंटिक है, जैसे कि भाइयों ये है। हाँ, इसका एक फायदा है, किसी वजह से आपकी यहाँ से टॉप लिंक निकल जाए जी तो ये कवर कर लेती है, ये यहाँ पे वो अड़ जाती है, तो ये टायर में नहीं आते, जो टायर में नहीं आते। इसकी देखो जो बाहर की पहले मशीनरी बनाई गई है, बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ बनाई गई है, और आज के समय तो सीधा ये दे दिया गया है जी। हाँ जी, हाँ जी, मुझे लगता है कि ये इसमें जो आपका पीछे वाला कल्टीवेटर है मेड इन इंग्लैंड, ये आपने रिपेयर कुछ करवाई है जी इसमें? हाँ, थोड़ा जो जैसे कई बार होता है नट बोल्ट लूज हो जाते हैं, टूट जाते हैं चलते-चलते हुए, बस वही चेंज हुआ है, बाकी तो सब वही है, कहीं जंग नहीं है भाइयों। देखो लोहा कितना जबरदस्त है, ऐसा लोहा मिलना बहुत मुश्किल है जी आज के टाइम समय में। कुछ बोल्ट इसके साथ के हैं, जितना लोहा आ रहा है सब रिसाइकल होके आ रहा है, रिसाइकल होके आ रहा है जी। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। कहने का मतलब ये है कि ट्रैक्टर को कितना समय हो गया जी लगभग? ये लगा लो जी 69 और ये करीब 53 साल हो गए जी। 53 साल से ट्रैक्टर को संभाला हुआ है जी। देखो सबसे बड़ी बात है ऑल जेन्युइन है टोटल, और फुल एक ट्रैक्टर का काम करता है जी। और मुझे लगता है ये तेल का खर्च कैसा है इसका? कम है जी, रोटर पंप है ना इसमें, रोटरी पंप है, तेल का इसे रूटीन वर्क में लेते हो आप? हाँ जी, खूब सारे गन्ने से ही डालने होते हैं। क्या बात है, ट्रैक्टर दूसरा भी है लेकिन उसे बड़े काम के लिए। हाँ जी, हाँ जी, क्या बाकी इमरजेंसी में अगर ज्यादा जुताई है तो टीलर सब कुछ ये चलाता है, चलाता है। तो हम चलाते नहीं इसमें, रूटर बाकी चलाते। टीलर में ये कितने HP में ट्रैक्टर है जी? ये भैया 37 37 HP में है। क्या बात है। तो जी इन चीजों का तो बस अलग ही मजा है, आप लोगों ने बस संभाली भी है, काम पूरा कर रहा है हमारे, तो देने से फायदा क्या हमें? देने से फायदा क्या है, क्या बात है जी। 5 लाख के ट्रैक्टर का काम कर रहा है, 5 लाख के ट्रैक्टर का काम कर रहा है। अगर कोई आपसे कहे कि भाई हमें 10 लाख दे रहे हैं ट्रैक्टर सेल कर दो, तो कर दोगे आप? नहीं, अब मिलेगा तो नहीं, बात तो ये सेल नहीं करेंगे। क्या बात है जी, क्या बात है, बहुत अच्छी बात है। तो इधर देखो जी तांगे हैं इनके, पुश्तैनी खड़े हैं, हर चीज का रख रखाव बड़ा जबरदस्त है जी। ये इसे तकरीबन कितना समय हो लोगे जी पीढ़े को आगे वाले को? इसे हो गए करीब जी 22 साल। 22 साल पीछे वाले को? वो तो अभी घोड़ी ली थी, करीब 4 साल पहले बनवाया था जी। हाँ जी, बाकी बैलों का तंग है दादाजी के टाइम का। क्या वो अंदर उधर खड़ा हुआ वो है। कितने कल्टीवेटर, ये देखो जी कल्टीवेटर ऊपर है जी, बाहर के ही कल्टीवेटर है, अपने यहाँ के नहीं है। ये कहाँ के हैं जी? ये भी इंग्लैंड से आए थे जी। ओहो, मेड इन इंग्लैंड। क्या जो इनकी वो है ना ग्रिप, हाँ जी, हाँ जी, उसमें हाँ जी। जाली बनाई हुई है एयर हवा के लिए, हवा के लिए ताकि पसीना ना आए पसीना ना आए। और इनका भी टेम्पर इस तरह से था, अगर धूप में खड़ा हुआ है जी तो वहाँ पे हाथ नहीं जलेगा, हाथ नहीं जलेगा। वो टेम्पर इस तरह से लोहे को दिया है जी कि ताकि अभी आप किसान एकदम पकड़े तो उसका हाथ ना जलेगा। क्या बात है, अपने यहाँ तो पाइप वेल्ड कर देते हैं। कितना समय हो गया होगा जी लगभग ये? तो बहुत, जब
पिताजी कितना टाइम हुआ है कल्टीवेटर? सुना तो इनके बारे में यूं है जी कि जब हमारा देश आजाद हो गया ना जी, तो इंग्लैंड वालों ने 1954 में ये मैत्री उस पे भेजे इंडिया में, जो गन्ना मिल थे उन्हें। अच्छा जी। और ये सबसे ज्यादा खतौली गन्ना मिल पाए, सबसे ज्यादा, सबसे ज्यादा। और उन्होंने ये किसानों को 50-50 रुपए में उस जमाने में दिए जी। तो जी लगभग बाबा जी आपके पास 70 साल के से ज्यादा हो गए, ये समझो जी 52-53 में। हाँ तो वही 70 साल हो गए जी, 70 प्लस हो गए जी। हाँ जी, हाँ जी 70 हो गए। सबसे बढ़िया गन्ना किस बैल ज्यादा जोर के खच्चे थे परी में। अच्छा जी, खींचे नहीं है ये, खींचे नहीं। हाँ। तो बाबा जी आपने तो ऊपर इतना तो कोई सोना चांदी कोई संभाल के रखने वाला काम है, रस्से से बांध रखे हैं पुरानी बुजुर्गों की निशानी रखी इनमें, देखे इन्हें खेचे भी कोई नहीं जी, बिके भी नहीं जी, और बिके तो देवे भी नहीं, देवे भी नहीं, क्या बात है। तो अब कुछ होना तो है नहीं इनसे जी, लेकिन बस। तो बाबा जी इसे ट्रैक्टर के पीछे डाल के नहीं चलाते आप? नहीं अब नहीं चला, अब तो ट्रैक्टर के ही बन गए। अच्छा ट्रैक्टर के ही बन गए, ट्रैक्टर के पीछे चलाए ये तीन जी। हाँ अच्छा आपके पास तीन है ये? हाँ तीन, एक उधर रखा है। क्या बात है जी, क्या बात है, तीन है। पता मुझे लड़के नहीं चला मैं, पोते नहीं चला मैं, पर खड़ा निशानी है उनकी। और क्या बात है। तो बाबा जी ये कितना समय हो गया लगभग इसे? इसे जी, जी इसे तो लाए थे जी 82 में, सन 82 का है जी। पूरा बनाया है गंगा पार में, आपको पता ही होगा बिजनौर में। जी 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 जी, शाहपुर से लेके आए थे गंज से। हाँ पहले और तंगा था उनके जमाने का जी, फिर नया ले आए थे एक बनवा के। क्या बात है जी, क्या बात है। तो भाइयों एंटीक चीजें बहुत हैं, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, वीडियो को छोटा करना है अभी, तो बहुत कुछ दिखाना है। बाबा जी अब उधर को चलो, जो आपका शौक है रियल में आओ जी आओ। कहने का मतलब ये है बाबा जी की चीज हर चीज एंटिक मिलेगी जी आपको, क्या बात है। सबसे पहले स्टार्टिंग करेंगे जो हमारा जिस चैनल से जाना जाता है नाम, छोटे से भैंसे से। क्या बात है जी, ये भैंसा है, उन्ना है जी, दो दांत है, दो दांत है। तो भाइयों ये जोड़ के दिखाएंगे बाबा जी, जोड़ के दिखाएंगे आपको कि ये क्या चीज है। एक बार इसका मुआयना करवाता हूँ, गर्म बहुत है भाइयों, दिमाग ज्यादा गर्म है, लगता नहीं कि मुझे दिखाएगा ना। साइड से कुछ ऐसे होने वाली है, अगर पैरों की बात की जाए आगे वाले की तो कुछ ऐसे पैर हैं जी, फेस कुछ ऐसा होने वाला है जी। और हालांकि बाबा जी इतने शौकीन हैं कि भैंस गोबर भैंस के नीचे या झोटे के नीचे नहीं रहने देते, फिर भी देखो पशु कितना चलाक पशु है। देखो नहीं, ये तो बिल्कुल सीधे होते हैं जी, इन्हें कोई फर्क ही नहीं, देखो देखो कोई पिटाई नहीं। हाँ क्या बात है, खुराक बोल रही है जी, जान बोलती है, कहने का मतलब ये है बाबा जी तो सच्चाई है, या बाबा जी बताएंगे कि बाबा जी ये सच्चाई है कि नहीं है? सच्चाई है ना, और तीन पीढ़ियों से पशु इस घर में ज्यादा अच्छे रहते हैं। क्या बात है। नहीं आप बताओ कि भैंसे में इतनी फुर्ती? हाँ। ये तो बैल जैसी फुर्ती। हाँ। ले रहा है ये सब। अब बात की जाए आगे जो इनका धरोहर है, पशु धन दिखाते हैं जी बाबा जी का आपको, कि उसमें कमी है, कारण है उसका दिखाने का, कारण क्या है दिखाते हैं जी। इसमें कुछ चीजें आपको भी देखने को मिलेंगी जो मैं नहीं कहता कि आप लोगों के पास भी होगी, मैं इस बात को नहीं कहता, लेकिन आप लोगों के लिए दिखा रहे हैं। जैसे कि देखो ये क्या महीने कटिया होगी जी बाबा जी? कटड़ा जी, कटड़ा है ये? हाँ जी, ये 16 महीने का होगा। 16 महीने का बाबा जी, सेल के लिए है ना जी? अभी देखेंगे इसे भी, कुछ ओए आग निकला है, कैसा निकला है। तो दिमाग इतना गर्म कैसे है बाबा जी? भाई देखो ये वैसे होवे तो जन्म जात हो, जो जैसा कुदरती। अच्छी है जी, देखो उसमें भी इतना इतना मरोड़ है तकड़ी वाली, इसमें भी ऐसी है। ये तो वैरायटी है जी पशु। मैं आपको सच्ची बताऊं जी, भागे बिल्कुल ना चाहे जी, मठा डंगर रखे नहीं जाते। क्या देखो भाग अलग चीज है। क्या बात है जी। और भाई वैसे चलाकी अलग चीज। बाबा जी शौक आपको, घोड़ी भी दिख रही है अर्जी, कटड़ा भी है आपके पास, शौक लगभग मुझे, मैं मान रहा हूँ आपने सभी पाले हुए हैं जी। जी जी। और जी घोड़ी को तो जोड़ते हो पीड़े में? हाँ, तांगे में जोड़ूं जी। तांगे में जोड़ते हो? कमर पे तो अब ना बैठा जाता, अब नहीं बैठा जाता, लेकिन जोड़ते हो? हाँ जो। हाँ, तांगे में जोड़े, तांगे में जोड़ते हैं। बहुत चला तो अच्छी जी। हाँ, बहुत दौड़ती क्या
बहुत क्या बात है जी, क्या बात है। तो बाबा जी आगे दिखाओ जी, जैसे कि ये जुटिया है, ये कैसे है जी? ये तो पहलवान का बना है जी अब। अच्छा जी, हाँ जी। क्या जो बाफड़ी गए थे बग्गी दूध से भी, ये वाली जी? बाबा जी यार क्या बात है, पशु सारे ही मरोड़ में है। तो कहने का मतलब ये सिंगों में डलवा रखे हैं जी। देखो इससे वो नहीं अड़चते जी, आपस में किसी के सिंग फंस जा, इसकी सोना बिगड़े या यो रास्ता फंस जा, हाँ जी, तो रपट जा अपने आप। तो ये कहाँ से मंगवाया जी आपने? तो हरियाणा से मंगवाई थी जी। कितना समय हो गया डलवे जी? इसके तो 2 साल हो गए जी। क्या बात है भाई, ये चीजें, ये चीजें आप लोग भी देखो जी, बहुत ही बढ़िया चीज़ है ये, और ये फ़ायदेमंद है किसान के लिए कि जो सींग में अपना सांकल अड़ जाती है जी, सींग में पशु का सींग फंस जाता है, तो उन चीज़ों के लिए ये बेनिफिट है जी, बहुत बढ़िया। तो बाबा जी ये दूध कितना देती है? यो 12 किलो। 12 किलो, देखो जी पुट्ठे उठे देखो जी किस तरीके से मांस चढ़ा पड़ा है, ज़बरदस्त खवाई का तो कोई मैं तो मानता नहीं जी। यो गौ माता जी है देसी। क्या बात है भाइयो, इसका भी एक साइंटिफिक रिजल्ट है जी, और इसका एक कारण है, इसकी भी एक स्टोरी है। स्टोरी क्या है बाबा जी, इसकी भी स्टोरी बताओ। इसकी स्टोरी हो जी 17 साल उम्र होगी, वो ब्याह ही नहीं एक बार। क्या बात है, और डाइट बरकरार? थोड़ा सा बेचारी अब डाइट को तो मैं कहूँ ना कहूँ तो मैं तो कहने का मतलब ये है कि भाइयों गऊ माता है जी, इनकी सेवा बरकरार है 17 साल से, कि दूध की कोई इच्छा नहीं है कि दूध दे या ना दे, बहरहाल बरकरार कर रखे जी सिस्टम। नहीं जी, हरी नहीं हुई ना भी। क्या बात है जी, देखो जी इसका भी आप लोगों से सेवा करवानी पता है। पता नहीं इसी के भाग काम खा रहे हैं। क्या बात है, क्या बात है। छोटी सी बच्चा मोल को ले आए थे। अच्छा जी, तो एक भैंस सामने बैठी है, अभी लैंड है जी ब्याई है। क्या बात है जी, 12-13 किलो दूध की है अभी। क्या बात है जी, क्या बात है, सींग में इसके भी डलवा रखे है जबरदस्त, बहुत अच्छी बात है। इधर एक झुटिया ये बैठी है जी, पिछले ब्यात की इसी की है जी। अच्छा, पिछले ब्यात की इसी की, क्या महीने की होगी जी? यो होगी जी 1.5 साल की पूरी। 1.5 साल की, और यो अभी 18 महीने की है जी। 6-7 महीने पहला हरी भी हुई है, अब देखो रुका जी कैसा। क्या बात है, तो बाबा जी की घोड़ी दिखाते हैं जी सामने। क्या बात है, कहते हैं जी गर्म बहुत है दिमाग, बाबा जी बताएंगे इस बात को। बाबा जी ये सच्चाई है गलत है जी? घोड़ी तो ये गाड़ियों को छोड़ती चली जा उस पे बाईपास पे। अच्छा जी, हाँ जी। क्या हाईवे पे? हाँ जी। तो बाबा जी आप भी बैठते हो साथ में? मैं बैठा 3 बार। क्या बात है जी, क्या बात है। तो बाबा जी ये कहाँ से लेके आए आप? ये जी किले के पास है, गाँव है बडला। अच्छा जी, वहाँ मुसलमान है। अच्छा जी, उनके पास थी वो सब्जी उब्जी बेच रहे थे, से उन्नी थी वो जब। अच्छा जी, हाँ उनसे ले ली थी हमने। तो शौक अच्छी लगी आपको इसकी खूबी क्या थी जी? देखी आपने इसकी खूबी हो जी जी, घोड़ी पानीदार बहुत है। अच्छा जी, कड़वी चलाक। अच्छा जी, यही कीमत है जी। अच्छा जी, हाँ जी, गाड़ियों छोड़ती चली जा हाईवे पे, गाड़ियों छोड़ती। तो भाइयों इसको भी, इसको भी आज दिखाएंगे, इसका भी बैठ के देखो, बैठ के देखो। हाँ जी, आज रिजल्ट दिखाएंगे जी इसका भी। क्या बात है, यो बच्चा इस भैंस का। क्या बात है, बहुत बढ़िया। 15 दिन 15 दिन का लवारा है जी, देखो क्या शानदार है। हाईवे पे गाड़ियों को छोड़ती चली जा जी, और इस तरह से कदम। अच्छी एक्टिंग है, एक्टिंग बहुत। कहने का मतलब ये इसके रंग ढंग पे ना जाओ। वैसे भली बहुत है जी। अच्छा जी, उठेगी तो रास लगी है, बदल दे फिर रूप, गैली बदल जाओगी। अच्छा जी, तंगा देखते ही। तो कहने का मतलब ये कुछ भाई कमेंट करेंगे कि भाई इसकी क्या है, इसकी खूबी तो जुड़ने के बाद ही बदलेगी, क्या है। क्या बात है, क्या बात है, ये है जी। क्या बात है जी, लो जी बाबा जी एक और आ लिया जी, संपर्क करेंगे जी। बाबा जी का स्वागत है। बाबा जी राम राम। बाबा जी का शुभ नाम बोलो जी एक बार। नवल सिंह। क्या बात है जी, गांव राहुती। राहुती मेरठ। क्या बात है, तो बाबा जी कुछ बातें बैठ की होंगी। आ जाओ, चलो जी। यही तो। तो भाइयों 1200 क्विंटल गांडे बेच के बैल लेके आए थे 4200 का अपने टाइम में, 77 में। क्या बात है जी, क्या बात है, क्या बात है, बहुत ही है जी। यही बात है, क्या बात है। तो भाइयों सोच के भी आदमी सोच नहीं सकता कि भाई
ऐसी ऐसी चीजें, ऐसे ऐसे किसान पड़े हैं। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। तो भाइयों वीडियो लंबी होनी है, क्योंकि वीडियो लंबी होने का मैटर ये है कि आज कुछ अनुभवी लोग जो मिलते हैं तो उनके साथ में बात करते हुए का समय कब निकल गया पता नहीं चलता। समय के तो बहुत बड़े ज्ञानी हमारे सामने बीच में बैठे हैं, जो आए हैं 10 मिनट के लिए, इनका ये नहीं पता कि 24 घंटे लग जाएं, खाना खाएं ना खाएं। इस काम, इस शौक में की बातों में, बातों में ही। क्या बात है जी, क्या बात है। तो बाबा जी, मैं आपका स्वागत करता हूँ जी, आपने अपना कीमती समय दिया जी। तो बाबा जी, आपको शौक कब से लगा कि पशुओं का? जब से ये काम बचा हमारे बुजुर्गों को, जब से ही शौक। ये बात जी, ये खून में बस उनको गया, देख देख के हमें शौक लगे। क्या आपका राम राम जी, राम राम। और जब बैलों पर ही निर्भर था, सब यही करने वाले थे जी, कहीं जाना भी बैलों से, आना भी बैलों से, क्या खेत जोतने बैलों से, क्या बात है, अनाज उठाएंगे बैल, सब कुछ बैल करेंगे, सिंचाई बैल करेंगे। ये मैनी एक पूरा ही गांव ऐसा है जी, नहीं मुझे कहनी चाहिए, ऐसा गांव तो दूसरा होया ही नहीं। ओहो, पर पिछड़े जमाने में आए इस काम में। क्या बात है जी, क्या बात है, सही बात। तो बाबा जी, एक स्टोरी अभी बाबा जी बता रहे थे मुझे कि सन 77 में बैल लेके आए थे जी। 77 में बैल, उस टाइम गांडे का रेट जो था 3-4 रुपए कुंटल था जी, 2.5 रुपए बेग। ओहो, 2.5 रुपए था जी। और जी, उस टाइम आप एक बैल लेके आए थे, बैल कितने का लेके आए थे? 4300 रुपए का, 4300 का। तो बाबा जी, आपको क्या देखा कि उस टाइम तो जमीन के भी रेट बहुत कम थे? 3 बीघे जमीन आ जाती जी, अपस्सी की नहरी, अपस्सी की बस जन्म जात ही बड़ों का दिया है शौक था, जो हमारे बुजुर्ग थे जहाँ बैठे हो जी। अब क्या आपको दिखा मैं, क्या बता मैं, सही बात है, कुछ नहीं जाता। तो बाबा जी, जब 4300 का बैल लेके आए, तो बाबा जी एक तरीके का वो तो एक सोना हो गया जी, उस टाइम सोना खरीद के लेके आए थे। हाँ, मंडी में बिका नहीं था, और दूसरा बैल बिका नहीं था। क्या बात है जी, क्या बात है, पैसा नहीं था किसान। तो बाबा जी, उसकी देखभाल भी उस तरीके से रखी होगी आपने? हाँ जी, घी दूध पियाए हैं जी, घी दूध पियाए। सैदपुर के वीरेंद्र सिंह जो थे, वे विधायक के लड़के थे विक्रम सिंह के, वे लेके गए थे फिर हमसे 2 साल बाद। अच्छा, कितने का सेल करा आपने? हमने 5000 का। क्या बात है। तो 2 साल जोतिया, 2 साल के बाद में फिर उसे बिक किया जी आपने। क्या बात है। तो उसकी क्वालिटियाँ थी उसमें, आप जो इतना नागौरी नस्ल थी, नागौरी नस्ल, क्या चाल बहुत थी, बहुत चाल थी। क्या बात है जी, तो खूबी की कीमत है जी। तो जैसे कि बाबा जी, आपका खान पीन कैसे करते थे पहले, मेंटेन आपका बैलों का जी? बैलों को एक तो पेट उनका हम बहुत ठीक रखे थे दवाइयों से। वो कैसे जी? वो ये बत्तीसा, अजवान, फटकड़ी और ये चीज देते रहे थे, अम्बा हल्दी, बिक्का माली, काला जीरी। अच्छा जी, ये इस्तेमाल करें थे, और घी दूध की चराई थी। क्या बात है, चने की। तो बाबा जी, जैसे कि बैलों का शौक, मैं तो मानता नहीं कि अब तो लगभग 5 या 10% रह गया जी, 90% तो बाबा जी मैं मानता हूँ कि शौक ख़त्म हो चुका। कुछ गांव बिजनौर में भी हैं बेचारे जो कर रहे हैं। अच्छा जी, जो बचा हुआ है जहाँ शौक। हाँ हाँ, बहरहाल नहीं तो लगभग आपके आसपास में तो जी, जैसे कि आप लोगों का इतना नाम है गाँव रावती का, तो इसमें शौक नहीं रहा। 10% नहीं रहा, 10% भी नहीं शौक रहा नहीं है। 100 में से सोचो भाइयों, कहने का मतलब ये है कि मैं जब इनसे मिलने आया था, एक स्टोरी सुनाई इन्होंने, जिनके जिस जरिए से मैं इनके पास आया, कि अगर 20 पशु हैं तो 20 ही पीछे थान लगाए हुए हैं इन्होंने, कुंड बना दिए थे जी। बाबा जी, ये सच्चाई है? सच्चाई, झूठ की तो कोई बात ही नहीं हो। उसमें ना कुंड में ही गोबर डला गया था नौकर। अच्छा, बैल ने गोबर किया जी, उसमें डाल दिया क्या, ताकि उसे परसेंट बना लगे, खराब ना हो जी। और कई कई घर ऐसे थे हमारे खानदान में के जिन्होंने फावड़ी से रेत तो ठीक करा है, चौथ नहीं खिंचा, हाथ से उठाया, हाथ से उठना, गोबर हाथ से ही उठना, एक नौकर घर में छोड़ना पड़ा जब मजदूर मिलता था खूब। अच्छा जी, वो परमानेंट पशुओं पे ही रहता था, कटर नहीं दिया।
बहुत बढ़िया। अब इजाजत है बाबा जी, इजाजत तो आप मैं आपसे लूंगा जी, क्योंकि आपने अपना कीमती समय दिया है बाबा जी। आपने, आपने एक मिनट में कहने देता हूं, भैंस में बिजी है घने। हमारे घर में आए, आपने जानकारी ली, भैंस लेने के काम महाराज ज्यादा बिजी चल रहे। का बीमार था 12 बजे तक, 4 बजे चल दिया भाई, और 5 बजे यहां कवर झट्टो की रेस कर दी। बोलो बाबा जी, आपके बस प्यार है, मोहब्बत है जी। 8 देश भी रही है, 31 साल उम्र है कुल, पंजाबी जट है, तो मूल पंजाब से हैं, रह रहे हैं बिजनौर में, फार्म है। तो बाबा जी कहने का मतलब ये है कि आप जैसे लोग हैं, इनसे मिलना और आपका परिचय पब्लिक के सामने पेश करना, बस यही अपना काम है जी, अपना शौक है। बहुत अच्छा। तो बाबा जी, अब सबसे पहले किसे जोड़ा जाएगा दोनों में से? जिसे आप कहोगे उसे जोड़ देंगे। सबसे पहले मैं तो कहता हूँ, अभी एक बच्चा और देखो, 1.5 साल का। ओए होए, ये देखो क्या बात है जी, 18 महीने का लवारा दिखाते हैं जी आपको, 18 महीने का, जिसे कहते हैं जी नस्ल। ओए होए क्या नस्ल, ये नस्ल कौन सी है? नस्ल यहाँ की तो है नहीं जी, पता नहीं कहाँ की है, घर की भैंस का ही। आप कहाँ से लेके आए थे भैंस? जिस भैंस का है जी, वो तो राजस्थान से आई। हाँ बाबा जी, ये नस्ल यहाँ की नहीं है। ऐसा फेस, ऐसा फेस, कहने का मतलब ये है, ऐसा फेस और ऐसे पैर, और जी मैं कहता हूँ ये तो जर्मन शावट है जी एक तरीके का। क्या बात है जी, गर्म ये भी उतना ही है भाइयों। हालांकि देखो, देखना पैर दिखाता हूँ जी इसकी चाल, देखो 18 महीने का मरोड़, देखो पूंछ पूरी। आए हाय भाइयों, जो इस चीज में रमे हुए हैं, देखो इसके पेट की जो चौड़ाई है कोख की, देखो कितना ज्यादा स्पेस है कि जिससे ये पैर काटेगा जी। क्या बात है, कहने का मतलब ये है, गर्दन देखो जी इसका फेस, अभी तो 18 महीने का है, लाजवाब। पुट्ठे की बात की जाए, कुछ ऐसे होने वाला है जी। ओए होए क्या बात है जी, तो शौक तो जी मैं तो कहूँगा कि बाबा जी चरम सीमा पे है यहाँ, यह सच्चाई है इस बात के। तो बाबा जी इसे सेल करना चाहोगे? नहीं, आप इसे किस चीज़ में लेके आओगे? इसे घुमाई में लेके आओगे? फ्रिक में जोड़ रहा हूँ इसे। इसे फ्रिक में भी जोड़ते हो आप? हाँ, इसे दिखाऊंगा भी थोड़ा सा जरूर। अच्छी है जी, उम्र वास्तव में 18 महीने। 18 महीने, तो बाबा जी इसकी जो ब्लड लाइन है उसका क्या रिकॉर्ड है जी? ये बीज लाए थे जी, वैसे तो बताया तो ये गया था कुछ का है, वो सुल्तान का, ये पता नहीं है किसका है, पर मवान से ब्लॉक से बीज लाए थे, और घर की राजस्थान है, सीमन का ही। सीमन का। बाबा जी ये तो देखो, ये तो सच्चाई है कि जो इसका फेस आ रहा है, वो फेस ऐसा फेस मुश्किल ही देखने को मिलता है जी ऐसा। तो बाबा जी इसका लंबी दूरी में तैयार कर रहे हो छोटी में? अभी तो बच्चा है, अभी तो 500 की मैं कर रहा हूँ, बाकी आगे को देखूंगा। तो आप ही जोड़ते हो? हाँ मैं ही जोड़ता हूँ। बुड्ढे ही नहीं मार रहे, हड्डी पसली का पता नहीं, बालक हो गए लोग, ऐसे से लंडो का काम था। तो कहने का मतलब ये है, इसे 500 मीटर में तैयार कर रहे हैं। क्या बात है, तो भाइयों आज तो समय सीमा कुछ रहनी नहीं है, तो हाथ जोड़ के सभी से विनती है कि वीडियो को एंजॉय करो जितना हो सके। तो बाबा जी उसका नाम क्या, इसकी माता का क्या रिकॉर्ड है दूध में? इसकी माता का रिकॉर्ड ये रहा जी, वो 12 लीटर पहलवान ने दिया। क्या पहलवान का ये है? पहलवान का ये है, दूसरे वो दे रही थी। बाबा जी कितने का, इसकी माँ कितने की लेके आए थे आप? घर की थी वो तो, ये बात भैंस के तरह आई थी, घर की थी। तो वाकई में जिसे कह देते हैं जी वो चीज़ है जी, ये हाथ तो फिरवाना है, मुश्किल लग रहा है जी मुझे। नहीं, फिरवा देगा। क्या बात है, बस, 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 भाइयों इसकी चेस्ट देखो, बस कि मुश्किल से बस। बाबा जी अगर इसके हम कीमत की बात की जाए, सेल नहीं करना, मैं मानता हूँ आप पहले ही कह रहा हूँ नॉट फॉर सेल। सभी भाइयों इसकी कीमत को देखा जाए, जैसी ये क्वालिटी है,
कि गुणी आदमी हो आप तो इसकी कीमत लगभग कितनी मानी जाएगी? 1,00,000 रुपए मिलेगा नहीं जी? हाँ जी, नहीं मिलेगा, नहीं मिलने का नहीं जी। 1,00,000, 1,00,000 में बाबा जी मिलने का नहीं? हाँ, 1,00,000 की भी आगे चल के इसकी खूबी बढ़ जाएंगी तो वो भी कम है। ऐसा फेस मुश्किल है। हाँ, कैड़ा कैड़ा है जी, बहुत प्यारा जानवर हो रहा है, बहुत प्यारा जानवर हो रहा है। बाबा जी कह रहे हैं कि झट्टे का बनूर ले रहा अभी से। हाँ, जैसे दांत तो भरे झट्टे हो, दांत तो भरे। देखो जी गर्दन अभी से क्या हाल है। हाँ, गर्दन का लाजवाब है। और बात की जाए पैर, ऐसे पैर तो मैं तो कहता नहीं जी, पैर ऐसे पैर मुश्किल से ही पशु के। हाँ जी, रंग बहुत अजीब, रंग बहुत अजीब है जी। क्या बात है जी, क्या बात है। ऐसे पैर, गट्टे का साइज देखो जी अभी से क्या है। तो बाबा जी एक बात पूछना चाहूंगा, इसे दूध कितना दे रहे हैं आप? सच्चाई देखो इसमें वो नहीं, अब 2.5 किलो जी एक टाइम में। ना ना, दोनों टाइम में एक एक सवा किलो। और जब ये नीचे था, जब कितना दूध दिया जी? 2 थन पे इसे पूरे ब्याह, पूरे ब्याह 2 थन, 2 थन सुबह, 2 थन शाम। दाना कितना दे रहे इस टाइम अब जैसे? इसे दाना मिलता है जी 1.5 किलो चना। हाँ जी, 1 किलो चोरी सुबह, 1 किलो शाम को, 2 किलो चोरी है, 1.5 किलो चना, 2.5 किलो दूध और पावर घी पर डे। हाँ, एक पाव घी रोज देना है। हाँ, क्या आप 250 ग्राम घी पर डे का लेना ही लेना है दूध में? हाँ, क्या बात है, क्या बात है। तो बाबा जी, हाँ जी, भाइयों का कहेंगे कि वीडियो बहुत लंबी कर दी आज की, तो इसे दिखाओ किसी ना किसी को, जोड़ो मैं भी देखने को उत्सुक हूँ जी इस चीज को। अभी लो, नहीं अभी लो, जुड़ जाए। तो सबसे पहले आज इससे ही, सबसे पहले जो स्टार्टिंग की जाए बाबा जी, इससे ही करते हैं। इससे ही करते हैं, इससे करेंगे। क्या बात है जी। तो वही जोड़ लो पीड़ा। मैं कहां पीड़ा से लूं? तो तेरी मर्जी, चाहे यूं तो खा ले, चाहे यूं ले। जहां बाबा जी आपको लगता है कि यहां हमारे लिए सेफ है, आपके लिए, क्योंकि आप बुजुर्ग, कोई आगे से वाहन ना आए, इस तरीके से देखो कि आप जो बढ़िया रहे। नगोड़ी की टाकू देख ले। चलो, और मैं मोटरसाइकिल ले चलूंगा। हाँ जाओ मोटरसाइकिल ये भी। हाँ जी, हाँ जी। तो कहने का मतलब ये है, चाल देखो भाई। क्या बात है जी, क्या बात है। तो बाबा जी आपका जो आपके वाला है लवारा, इसका कुछ नाम वाम रखे जी? ना जी, नाम नाम नहीं रखे। क्या बात है। तो बाबा जी जैसे कि इतना गर्म दिमाग है, आपको कुछ कहता नहीं? ये कुछ भी नहीं, मारते उड़ते ना ये जी, ये तो चलाक है, चलाक। हाँ, बहुत बढ़िया। मतलब शरीर पर न्यू सहन ना करना। हाँ, ये की बात है। ये बात, एक तो पिटता है, चलता नहीं, ये और न्यू भी नहीं करवाना। ये खुराक है जी? खुराक नहीं, वैरायटी, वैरायटी, वैरायटी पहले जी, खुराक बाद में। ये जन्म जात गुण कुदरती हो। अब ये बोलना चालू हो गया जी। वो आया था ना ये बात कि भाई अब मुझे जोड़ के दिखाओ। हाँ, बाबा जी तो जी यो वैरायटी है। क्या बात, वैरायटी की बात पहले जी, खुराक की बात, खुराक की बात में। तो भाइयों जो इस चैनल पे नए जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। अब सुनना सुनना ही रहेगा जी, चांदी चांदी रहेगी, चांदी चांदी सोना कैसे हो सकता, कैसे हो सकता है। बहुत अच्छी बात कही बाबा जी ने भाई, जो क्वालिटी है, क्वालिटी तो क्वालिटी ही बोलेगी। क्या बात है। तो भाइयों बने रहो, पीड़ा दिखाएंगे जी, पीड़े में जोड़ के 18 महीने का लवारा आपको। बने रहो वीडियो में। जिस किसी भाई को कोई कमेंट, मान लो मुख्तारे की ही वो है बालूशाही जी, तो वही तेज क्यों है? वैरायटी है, वैरायटी है। क्या उसको लोग क्यों खरीदते हैं ज्यादा पैसों में? वैरायटी भाई जी, चाहे आप इसकी वीडियो भी मत बनाइए जी, जैसे वो बच्चा आना इसका जी, आज अगर इसके कोई और रुपए भी मांगे तो इसे कोई इसकी चराई चराई नहीं देवे, नहीं चराई चराई बात। हाँ, सच्चाई जो वास्तविकता यूं है, यो हमारा जो पड़ला कटड़ा है, यो 5 जून को ब्याई थी, इसकी बहन 6 को, वो भैंस इनकी बीमार होगी थी। हाँ, इसे दूध नहीं मिला, यो तो हमारा वैसे ही पड़ला बेचारा। ये बहुत अच्छी पड़ले वाला, पड़ले वाला भाई साहब, ये तो सुनो, 18 महीने के बच्चे के शरीर को बड़े झोटे का रूप देना, बहुत बड़ी तो भरे झोटे का रूप है शरीर, बड़ी बात नहीं है। गर्दन नहीं होती, लवारे नहीं होती, नहीं होती जी गर्दन, तो मैं तो पहले ही कह दी गर्दन बहुत ले, हार्ड सब पड़े न्यू कर रखा, बिल्कुल बिल्कुल ऐसा हुआ रहो। क्या बात है जी, क्या बात है, बहुत बढ़िया। ऊपर का जो हार्ड है उससे ऊपर का है गर्दन, तो मुझे लगा आ गया जी शायद। तो भाइयों आप कैसे कैसे करोगे, दिखाते हैं जी। भैया जी वीडियो समय है आपके पास? आ रही, तो भाई जी अभी नहीं आए,
तो चलना पड़ेगा जी साथ में। अभी खाते हैं जी आपको इसे ले चल चाहे अपनी ले चल ध्रुव भाई ले लूंगा वो तो अर्जुन ले गया अर्जुन लेगा दिखाते हैं जी आपको भाइयों जुड़े रहो। तो जी भाइयों पट्टी पे लेके पहुंच चुके हैं 18 महीने के लवारे को है जी नहीं छोड़ लिए फिर हां हां क्या बात है जी क्या बात है रुक जा अभी बाद में बात करूंगा तेरा अब जोड़ेंगे जी अब जो भी नहीं आ रही कोई क्वालिटी दिखाएंगे जी। बाबा जी हो जाओ फिट शानदार चल रहा है क्या बात है तेरी माँ आगे झूठ बोल दिया भाई क्या बात है जी क्या बात है बहुत बढ़िया फिर 35 आ गया जी अठारह महीने का है जैसे 500 मीटर में तैयार कर रखे है जी इन्होंने बत्तीस चल रहा है जी स्टेप भी 33 32 33 32 33 क्या बात है जी क्या बात है बहुत बढ़िया बाबा जी बहुत बढ़िया। दूसरे वाले को जोड़ेंगे जी उसे दिखाएंगे ओ आजी वाह अब बाबा जी वाला जोड़ेंगे जी दूसरा वाला फिर जोड़ेंगे घोड़ी जैसे भाइयों 18 महीने का है तो स्टार्टिंग है खिलाना चालू कर रहे हैं जी तो बहुत बढ़िया पिकअप ले रहा है 40 का भी जी बाइक वाला तो जी बाबा जी लेके आ गए पीड़े में क्या बात है जी क्या बात है 500 मीटर में भाइयों इन्होंने दिखाया बाबा जी ने और फ्री हो गया अब वैसे भी देख लो फ्री हो गया जी ऐसी गर्दन है जी दम नहीं करता दम नहीं करने का वो खुराक ही ऐसी है जी हाँ, खुराक ही ऐसी है बाबा जी कै दिन में फ्राई करो इसकी तीसरे दिन बहुत बढ़िया जी कल दौड़ के लाया था अगर कल ना जुड़ा होता हाँ जी तो बहुत ज्यादा करता क्या बात है जी क्या बात है कल ही इसकी फ्राई ली है हाँ, कल ही तो बाबा जी इसे 500 मीटर में ले रहे हो इसे थोड़ा कम नहीं लेना चाह रहे आप अभी मतलब वो नाश्ता कर रहे नहीं बस वो कहने का मतलब ये है बाबा जी इसकी दूरी थोड़ी घटाओ तो इसका पिकअप बढ़ जाएगा जी लीले भाइयों देखो बिल्कुल फ्रेश हो चुका है जी अब जोड़ेंगे जी दूसरे वाले को इस वाले को इसकी फिराई दिखाते हैं फिर एंड में जो होगी वो होगी जी घोड़ी क्या बात है जी क्या बात है वाकई में चीज है जी चालीस चलेगा जी 35 40 35 40 के बीच में असल में एक तो दूरी बहुत ज्यादा है जी पट्टी की दूरी बहुत ज्यादा है एक किलोमीटर जाना फिर उधर से भाग के आना फिर एकदम से हमने मोड़ दिया तो पशु पे फर्क तो देखो इस चीज का पड़ता है बहुत बढ़िया जी बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया जी बहुत बढ़िया लेकिन इसकी उत्पत्ति देखो हाँ, उम्र के हिसाब से भाई बाबा जी जैसी गर्दन इसकी है ऐसी गर्दन तो भैंसे की होनी कैडी है
बच्चे की अभी ये तो बच्चा है जी, अभी 18 महीने का बच्चा है। जिस तरीके से इसकी खवाई है आगे वाले समय में, ये क्या रंग देगा, लाजवाब रंग देगा जी अगले वाले समय में। ये क्या बात है, वाह जी वाह बाबा जी, शौकीन मिजाज हैं पहले ही अपनी बिठा दी जी। क्या बात है, अलग ही हर चीज़ अलग ही देखने को मिलेगी जी। एंटीक वाला सिस्टम है जी, क्यों नहीं, पुराना काम है। क्या बात है, नीचे भी नहीं गिर रही, देखो खड़ी कर दी, खड़ा कर दिया पीड़ा बिल्कुल। ये बात कचड़ा बोलना चालू हो गया जी इनका लवारा। इसकी तो मुझे लगा खुरी भी आ गई जी, खुरी उखड़ गई जी। हाँ वो तो मैं देख ही रहा हूँ, आवाज कर रही। कल भगाया था, कल निकल हो गई थी। क्या बात, आज दो फट गई, वो तो दिख ही रहा जी, आवाज आ रही है। क्या बात है, तो भाइयों नोट फॉर सेल है, पहले ही कह दूं कि कुछ भाइयों के कमेंट आएंगे कि आज सेल कर सकते हैं। पहले ही भाइयों हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि सेल के लिए फ़ोन ना करें। हाँ भाई, क्या बात है, ऐसा नहीं दम सम जो है चढ़ता हो। देखो जी दम सम क्या जी, दम सम तो चढ़ने वाले काम ही नहीं है इसके। खुराक इतनी तक की बात है, खुराक की तो सारी बात है, खुराक और वैरायटी पहले जी, वैरायटी। क्या बात है, देखो भाइयों क्या रंग रंग ले रहा, मड़क पूरी ले रहा जी, मरोड़ पूरी ले रहा। लो जी अब जुड़ेगा जी। देखो जी इनके पास बिल्कुल शांत है, दूसरा आदमी पास में जाने नहीं देता। बिल्कुल शांत स्वभाव है। क्या बात है जी, क्या बात है, जुड़ी बैठ ली। बाबा जी कह रहे बैठो भाई, दोनों ही चलेंगे इसमें। चलो जी भाई साहब, क्या बात है, हर आवाज को पहचान रहा है। क्या बात है जी, बाबा जी पट्टी पर लेके पहुंच गए, तकरीबन 1 किलोमीटर के करीब पट्टी है जी इनकी गांव से बाहर, वहां से बन के आना है ऐसे ने। और आपको दिखाते हैं जी, ये तो और आगे ले गए, घुमा के ला रहे हैं बस यहीं से। क्या बात है, बात जो इसकी दूरी है एक्यूरेट दूरी ज़्यादा है। बहरहाल आपको दिखाते हैं जी, 1 किलोमीटर दुड़की चाल पे ये आया है जी वहाँ से। देखो भाइयों बहुत आगे चले गए, तकरीबन 400-500 मीटर निकल गए हैं यहाँ से। अब घुमा लेंगे बस। अभी जूम लास्ट है जी, अब इससे आगे नहीं दिखा सकता। दोनों बाबा जी पर बैठ के ही पीड़े पे आएंगे जी वहां से।
चल पड़े जी वहां से। कहते हैं कि पशु खरा खरापन भाइयों वो चीजें हैं जी इनके पशु। चलते रहो काफी दूरी। बाबा जी बहुत बढ़िया। सब डॉक्टर भी जानते हैं। क्या बात, जुगलबंदी बहुत जबरदस्त आप लोगों की दोनों की। क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो कहने का मतलब ये है सामने है जी आपके जीता जागता सबूत। क्या बात है, क्या बात है। फिर उठा दिया फिर पैंतीस। क्या बात है, अब धीरे कर दिया जी। बहुत बढ़िया। तो भाइयों वीडियो कैसी लगी जरूर बताना ताकि आने वाला समय में आपको अच्छी से अच्छी वीडियो लगे। तो बाबा जी आप कई दिन में जोड़ते हो लगभग इसे? तो कई दिन में जोड़ा। कई दिन में, समय के कारण मजबूरी है। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। क्या बात है, असल में आपकी पट्टी भी दूरी ज़्यादा है पट्टी की भाई। एकदम उठा दिया भाइयों फिर 35 लिया है। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। बहुत ही शानदार तरीके से मार रहा है। बने रहो जी वीडियो में। लो जी एक किसने भी एक किसने भी खेल दी। मुझे लगा खुरी वाला बुला रखे है बाबा जी आज आपने। तो भाइयों 47-47 चला कुछ नहीं है जी। 47-47 चला। हाँ जी 45-47 के बीच में चला। 50 का मीटर उठा दिया था जिसने जी। 50 का मीटर मारने के बाद में फिर ये 45-47 रहा जी तकरीबन 200-250 मीटर। उसके बाद में 40 आ गया जी। भाइयों कैसा लगा जरूर बताना। अरे एक बात भैया जी कुछ और कहना चाह रहे हैं भाई हमारे। नहीं आप इधर आओ एक बार। नहीं नहीं ये सच्चाई है। कुछ भाई कहेंगे कि बाबा जी ने शौक झोटो का ही करा है या घर का ट्रैक्टर का या मशीनरी का कह लो। नहीं भाई शौक और भी बहुत है बाबा जी के। बाबा जी किस कहां से आपने अपनी पढ़ाई पूरी करी है जी, कौन से कॉलेज से? बढ़िया साहब कुछ किस्मती बात भी हो जी, वरना मैं तो पिलानी बिरला मल्टीपर्पज हायर सेकेंडरी में पढ़ा। अच्छा पिलानी। अच्छा जी वहीं मैंने ऑल इंडिया बेस्ट फिजिक का सर्टिफिकेट भी लिया वो मेरे पे। क्या बात है। इसके बाद मैं हापुड़ आ गया, वहाँ स्ट्राइक हो गई, झगड़ा हो गया था जी। वहाँ से मैंने इंटरमीडिएट करा। क्या बात है। और एथलेटिक्स में 5 इवेंट फर्स्ट करके वो भी उठाई चैंपियनशिप। क्या बात है। 100 200
400 लॉन्ग जंप हॉप स्टेप जंप। क्या बात है। किस्मत खराब थी, अगले साल वेट लिफ्टिंग में फंस गए, यूनिवर्सिटी चैंपियन बन गए। अच्छा जी। इंटरवर्सिटी में कोई प्लेस नहीं पड़ी। अच्छा जी। उसके बाद मेरी डिस्क स्लिप हुई। ये बात। फिर हम घर आ गए। ये बात। कहने का मतलब ये है, हमने पीछे मुड़ के नहीं देखा। कहने का मतलब बाबा जी, में लग कहने का मतलब बाबा जी यह है कि शौक सारे पूरे करे हैं। शौक क्या, बस वो लाइन पहले दूसरी थी जी, अगर वहाँ एक साल और रुक जाऊ मैं जी तो सेना वेना में हो जाता काम जी, और अगर वो डिस्क स्लिप ना हो तो छोटा मोटा दरोगा बन जाता, डंडे मारता, पैसे लेता। पर जब वो यहीं से बेकार हो गया, ये बात, चार तो, साल उसमें रहा बेकार। तो बाबा जी अब डिस्क सेट है। हाँ डिस्क सेट है, लेकिन आम आदमी नहीं हूँ। ये बात भाई, आम आदमी का मतलब यो है कि कम से कम 50 साल तक मेरा मानना यो है कि जितना बॉडी वेट हो उतना बॉडी वेट आदमी उठा के चल दे, ये सच्चाई है जी। हाँ, तो डॉक्टर ने भी कह दी थी कि आप जो है वो नहीं रहोगे आम आदमी जी, उसका ध्यान भी रखूं, पर इस खेती में झटके तो लगे ही हैं। झटके लगे और कुछ झटके फालतू में लिए। ये सच्चाई है बाबा जी, इसमें कोई शक नहीं जी। हाँ। ये सच्चाई है। कहने का मतलब देखो, झोटा बिल्कुल नॉर्मल हो गया जी, कितनी घुमाई करी है तकरीबन बाबा जी। यहाँ से आपकी जो जहाँ तक लेके जाते हो लास्ट में, वो कितनी दूरी है जी उसकी? करीब करीब 1 किलोमीटर है जी। 1 किलोमीटर है सत्संग घर से। यहाँ से सत्संग 1 किलोमीटर है घर से। तो घर तक 950 1000 है। 1000 जाना, 1000 आना। 2 किलोमीटर की घुमाई है। दुड़की पे गया है। हाँ। और रोकिया नहीं आपने ना, और फिर एकदम से रिवर्स कर दिया इसको। कहने का मतलब भाइयों, लाजवाब है बाबा जी के शौक भी लाजवाब है। बाबा जी तो है ही लाजवाब, शौक भी लाजवाब है। हमारे गांव में मैटर दूसरा जी, अगर 300 में फर्स्ट भी आ जाए तसल्ली नहीं है। यहाँ क्या है, थोड़ा लॉन्ग का वो चाहे गंगा जी को सबके वे हों। अभी मेरे भैया बैठे थे जी, नवल सिंह जी जी, या ये बैठे भतीजा जी, या सरदार जी भतीजा जी, या यो दादा जी, जो नहान से गुंजार दिखे कि मानना कोई सा नहीं। यहाँ से कह के चलेंगे भाई, गैल चाहोगे साथ चलेंगे। अच्छा जी। चाहे बाप, सुनो बाप बेटा न्यारे हो गए। अच्छा जी। और गंगा स्नान को चल दिए या उधर से आ लिए, वे भी आपस में कंपटीशन करेंगे। ये बात, खून में ही है। हाँ, हाँ, खून में ही है वो बाप बेटे का रिश्ता। खत्म, रिश्ता खत्म है। ना कोई लड़ाई, ना कोई लड़ाई, ना कोई झगड़ा, कोई मैटर नहीं, लेकिन भागा जरूर नहीं। अपनी अपनी खूबी दिखानी है, ये पशु की और अपनी अकाई की। क्या ये है बात, बहुत बढ़िया बाबा जी, बहुत। कौन जीतता है, कौन जीतता है? बस हर किसी की होड़ यही है कि जीतना है। मैंने कितना इसको वो दिया है भाइयों, एक चीज और दिखाते हैं जी। 2 साल का 24 महीने का लवारा आपके सामने। ये हमारा भतीजा है महेश, ने इसका नाम है जी, और ये इसकी माँ हरियाणा से आई। इसकी माँ हरियाणा से आई थी और ये बच्चा इसके उसके नीचे आया था। उसके नीचे आया वो, उसकी 1.25 लाख कीमत थी। 1.25 लाख की इसकी माँ है। 14 लीटर उसमें दूध है। 14, क्या बात। ये नीचे आया था। तो पैर वैर बहुत शानदार हैं जी। भाइयों पैर देखो जी, क्या शानदार पैर हैं। बात की जाए साइड की प्रोफाइल कुछ ऐसे होने वाली है जी। पुट्ठा देखो जी आपके सामने है। पैर तो मैं कहता हूँ जैसे मैंने पीछे अभी पैर दिखाए हैं आप सभी को। ये बात, ये तो जी इसी से पता लग रहा है कि क्या खा रहा है, क्या पी रहा है। ये कहने का मतलब ये है, बहुत ही लाजवाब पशु है। बाबा जी इसे बेच सकते हैं? नहीं, इसे बेचना नहीं। क्या बात, 60,000 रुपये भी मिल रहे थे लेकिन दिया दिया नहीं। बहुत सुंदर। अच्छा जी, सिर्फ चारा लाऊंगा है जी। चारा लेके आते, चारा लेके आते हैं, और भारी वजन ट्रैक्टर हैं 2, उससे लेके आना। ये तो शौक में है बस। ये तो शौक। क्या बात है जी, क्या बात, बहुत बढ़िया। ये तो शौक के लिए। पेट में कीड़े हैं बाबा जी इसके? चलो दवाई दे। कीड़े नहीं हो सकते? दवाई दे दी। दवाई। क्या बात है बाबा जी, पूरा ध्यान रख रहे हैं। आँखों में पानी जा रहा है, आँखों से। बहुत बढ़िया, अच्छी बात है बाबा जी। बांध दो। ना देखो, आप देखो नहीं देखो।